लक्ष्मण यादव जी, आप पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर जितना समझते हैं उतना ही आप जातिगत समीकरण को समझते हैं, और मैं इसका जिक्र बार बार अपने वीडियो में करता हूं, बदले में बहुत गालियां भी खाता हूं कि हर जगह तुम जाति क्यों पूछते हो, लेकिन ये गालियां वो लोग देते हैं जो उसी दल से जुड़े हुए हैं जिस दल के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मंच से घोषित कर चुके हैं, जिस दल के साथ निषाद पार्टी हो, जो निषादों की पार्टी है, जिस दल के साथ अपना दल हो, और जो दल निषाद रैली से लेकर तमाम जातीय रैली करता हो, और जो दल जातीय समीकरण को साधने में महारत हासिल रखता हो, उस दल के लोगों को नाराजगी होती है जाति की क्यों क्यों बात करते हैं, ये मेरी भूमिका। अब यहाँ से लक्ष्मण जी, आप क्या देख रहे हैं, अगर हम अगले चुनाव की बात करें, हमने पिछले दौर में भी बात की, क्या पिछले दौर के चुनाव तक और आज के 292 सीटों की वोटिंग तक क्या बदला है? जी अजीत जी, जब आप कह रहे थे कि उसी दल के मानने वाले लोग जाति की बात को लेकर असहज होते हैं, तो वही दल है जो केवल प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में जाति नहीं बताता। इस देश में जब एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके अध्यक्ष उसकी जाति बताते हैं, और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कैबिनेट का विस्तार करके गिनाया जाता है कि हमने 27 ओबीसी और 12 अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्री बनाया। तो जाति को कैसे जीते हुए उसके सारे प्रिविलेज को एंजॉय करते हुए भी उसको उपेक्षित किया जाए, ये उनसे सीखना चाहिए। यही मैं इस पांचवें चरण में भी देख रहा हूं कि जो पहले चरण से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना कि बहुत कोशिशों के बावजूद काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जिस प्रदेश में हो, राम मंदिर बना हो, 3 दशक से जिस एक राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, उसमें राम मंदिर बनने के बाद, राम के लाने का दावा करने के बाद चुनाव सांप्रदायिक जमीन पर नहीं जा रहा है, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में दिख रहा था, वो पांचवें चरण में भी दिखा है। और उसके पीछे मैं दो वजहें मानता हूँ। पहली वजह तो जिस पर बहुत सारे लोगों ने बात की और बहुत ज्यादा चर्चा हो भी रही है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, बिजली का है, खेती किसानी का है, नौजवानों की बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पुरानी पेंशन का है, ये सारे मसले एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस उत्तर प्रदेश का चुनाव उस रेनबो अम्ब्रेला के दरकने का है जो बीजेपी ने बनाया था, उन तमाम जातियों को जोड़कर, जैसे हिंदू फ्रेम में बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। मैं दो तीन बस उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। जैसे मैं बहुत आखिरी से शुरुआत करूं तो पासी जाति है, जाटवों के साथ ये बात कही जाती है कि वो बीएसपी के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन पासी समुदाय ऐसा है जो बीजेपी की तरफ रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के रहा है। उसकी तादाद अगर कहें तो बाराबंकी, प्रतापगढ़ और उसके बाद इलाहाबाद बंडल तक आती है, और ठीक ठाक तादाद है, वो लगभग 14-15% कई विधानसभा सीटों पर पासी समुदाय मिलता है। इनमें लगभग आधा विभाजन मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं रीड कर पा रहा हूँ इन इन सारी जगहों पर। तो निषाद जाति है, निषाद में अभी भी कहना मुश्किल है कि निषादों में कितना बीजेपी से नाराजगी है, क्योंकि अभी भी वो अमित शाह की घोषणा न होने के बाद जो नाराजगी लखनऊ के सम्मेलन में थी, उसके बावजूद भी लोगों का मानना यह है कि निषाद समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन ओबीसी की बात करें तो कुर्मी आबादी इस पांचवें चरण में तकरीबन 12 से 15% हर सीट पर है। मौर्या बिरादरी है, पाल बिरादरी है, इन सब में कुर्मी, मौर्या, पाल और उसके बाद जितने भी ये छोटी जातियां, नाई और तमाम जातियों का, चौहान जातियों का जिक्र करते हैं, इन जातियों की बात करें तो ये सारी जातियों में एक बड़ा डेंट हुआ है। मैं बीजेपी के लिहाज से बोल रहा हूँ, ये सारी जातियां पिछले चुनाव तक हिंदू बनी थी और उन्हें दो बातें समझ में आई थी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू कतरे में है, और दूसरी तरफ ये भी था कि ओबीसी का सारा हक तो यादवों को मिला, जैसे एससी में सारा हक जाटवों को मिला, तो इसके नाम पर बीजेपी ने बहुत बड़ी अम्ब्रेला बनाई थी, जिसका फायदा 14 में भी हुआ, 17 में सबसे ज्यादा हुआ और 19 में हुआ। मैं 17 के चुनाव से इसकी तुलना करते हुए देख पा रहा हूं कि जो जो नॉर्मल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, खेती किसानी, उसके साथ जातिगत अन्याय जो हुआ है, इन जातियों के ऊपर बुलडोजर चले हैं। इस देश में लोगों को भ्रम है कि हिंदू राष्ट्र मुसलमान विरोधी है, मुस्लिम हमला किया जा रहा है मुस्लिमों के ऊपर, और तमाम सेकुलर पार्टियां भी बचती हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलती हैं,
लेकिन इस उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में इन जातियों के ऊपर जो दमन, हिंसा, अन्याय हुआ है, उसके चलते मैं पांचवें चरण में भी देख पा रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद कौशाम्बी का मामला हो या हैदरगढ़ एक सीट है, मुझे मैंने देखा कि 1,20,000 पासी समुदाय वहां पर है। इसके साथ साथ तमाम बहराइच और बाराबंकी की सीटें हैं 25% मुस्लिम आबादी के साथ, तकरीबन 25 से 30% नॉन यादव ओबीसी जातियां हैं। इनमें एक बड़ी सेध बीजेपी के तरफ जाने से आती है। अब जो राम को लाए हैं, जो सांप्रदायिकता नहीं ला पा रहे हैं, वहां पर ये बात समझ में आई है कि अब एक आखिरी बात ये कि लाभार्थी समूह की डिबेट छोड़ी जा रही है, कि इन्हीं जातियों में तो वो समूह है ना जो लाभार्थी समूह के नाम पर बीजेपी और उसके दावा करने वाले लोग कह रहे हैं हमें ही वोट देंगे। मैं कह रहा हूं कि इनमें एक नुकसानार्थी समूह भी तो है, जिसको लाभ मिला वो छोटा समूह है, लेकिन उसके साथ जैसे लाभ नहीं मिला वो समुदाय बहुत बड़ा है। उनको ख्वाब जो भी दिखाए गए थे वो हासिल नहीं हुआ। लोग कागज पर बनाते हैं कलमों से कुएं और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले, तो ये 5 साल में निकल गया। तो दो तरफा मैं ये देख पा रहा हूँ, पांचवें तरफ तक आते आते ये स्पष्ट हुआ है अजीत जी कि जाति के नाम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जातिवादी प्रदेश नहीं है। हर जाति समझ रही है कि किसका वोट ले करके उसके साथ अन्याय हुआ, तो ये वोटिंग शिफ्ट हो रही है। अगर ये ओवरऑल 5 से 7-8% जो मेरा आकलन है, 40% से आप घटा लें, 4-7 से 8% वोट ओबीसी जातियों का और दलित जातियों का खिसकता है, तो बीजेपी 30 के आसपास आ जाएगी। और ये वोट जहां शिफ्ट होगा, चाहे समाजवादी गठबंधन या बसपा या कांग्रेस, वहां पर बढ़ोतरी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेंट इस इलाके में बीजेपी को लग रहा है। लक्ष्मण यादव जी, एक जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश और दूसरी तरफ वो तमाम नैरेटिव जिस नैरेटिव को बीजेपी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसको समझना चाहता हूं कि जहां अति पिछड़ी जातियां हैं, जहां दलित हैं जिसमें पासी जिसका जिक्र किया, और चूंकि मैं बाराबंकी गया था, मैं हैदरगढ़ भी गया था संयोग से, हैदरगढ़ में मैंने देखा वहां वो लोग रावत बोलते हैं, 2 SC सीट है बिल्कुल दोनों जगह रावत है वहां कैंडिडेट, हैदरगढ़ में 3 रावत चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पार्टी के उम्मीदवार रावत हैं, मतलब पासी हैं, और भी जो दूसरी 80 सीट है वहां से भी रावत है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो पासी बिरादरी का बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ झुकाव पहले भी रहा, इस बार भी दिखता है, आज भी मैंने बात की है सिराथू में, मेरे वीडियो में, उसमें भी पासी समाज के लोग हैं और दलित में और बाकी कुछ और जातियां हैं, चाहे वो कोरी हो, वाल्मीकि हो, और या ओबीसी में जातियां, ये इनमें हिंदुत्व का एलिमेंट, हिंदुत्व का तड़का लगाने में बीजेपी कामयाब हुई, तभी ये बीजेपी से जुड़े, एक बड़ा फैक्टर, लाभार्थी अलग हो सकता है। क्या उसमें कुछ कमी आपको दिखती है जिससे लगता है कि नहीं कहीं वापसी हो रही है? जी। सबसे पहले तो चूंकि अभी दूसरे ढंग का माहौल बन गया था, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि यूक्रेन को बचाने के लिए वहां जो भारतीय हैं उसके लिए भी यूपी में बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी है, ये सब भी आए जल्दी तो बहस और मजबूत हो। अभी चूंकि आपके मुंह से बार बार इलाहाबाद निकल रहा था अजीत जी, मैं भी जी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे हॉस्टल के सीनियर हैं सुनील जी, मैं बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत पहले मिले थे। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा है, इलाहाबाद की बात हो रही है तो उन्हीं से बात करता हूँ, कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो वो दौर है, अभी लोग उनका नाम भी नहीं ले रहे, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कहा था हिंदू खतरे में है, हम सामाजिक न्याय करेंगे, और असल में जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वो जाति के एग्जिस्टेंस